बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद सबतैन हयात। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद सबतैन हयात के नाम से। नाइन्थ क्लास के लेक्चर्स का जो सिलसिला स्टार्ट किया था, उस सिलसिले का आज लेक्चर नंबर 57 है। हम कर रहे हैं फिफ्थ यूनिट है हमारे पास फैक्टराइजेशन। तो हम फैक्टराइजेशन के बारे में जो है वो चीज़ें कर रहे थे, सीख रहे थे। आज हमारी एक्सरसाइज 5.3। तो 5.3 के अंदर है हमारे पास सबसे पहले एक रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे स्टेटमेंट उसकी लिखी हुई है। इफ़ अ पॉलीनोमियल इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर डिवाइज़र, अगर हम एक पॉलीनोमियल को किसी लीनियर डिवाइज़र पे डिवाइड करें। अब लीनियर डिवाइज़र को आप जानते हैं कि लीनियर हमारे पास क्या होता है, कि जिसके अंदर वेरिएबल की पावर 1 से ग्रेटर ना हो, मतलब एक्स प्लस टू, एक्स माइनस टू, तो इस तरह की वैल्यूज़ आ सकती हैं। एक्स के जो हमारे पास जो भी वेरिएबल होगा उसकी पावर 1 से ग्रेटर नहीं होगी, तो वो लीनियर होता है। तो जब हम लीनियर डिवाइज़र पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, लीनियर डिवाइज़र एक्स माइनस ए इस फॉर्म में हो सकता है, देन द रिमाइंडर इज़, तो तब हमारे पास क्या होता है, रिमाइंडर पी ऑफ ए होता है। अब पी ऑफ ए जो भी वैल्यू आएगी पी ऑफ ए की, वो हमारे पास उसका रिमाइंडर होगा। अब पी ऑफ ए कहाँ से लिया हुआ है, तो हम इस ए को फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, हम जो भी लीनियर हमारे पास डिवाइज़र दिया हुआ होता है उसमें से हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक्स माइनस ए की बात की है, तो इसको हम ज़ीरो के इक्वल रख के एक्स इज इक्वल टू ए, तो अब ये जो भी वैल्यू यहाँ पे आ जाती है वो वैल्यू हम इस पॉलीनोमियल के अंदर पुट कर देते हैं, तो उस पॉलीनोमियल का हमारे पास जो वैल्यू अब आती है वो हमारे पास रिमाइंडर होती है। अब ये हमारे पास देखें, यहाँ ये हमारे पास ए आया है, तो हम इस पॉलीनोमियल के अंदर पी ऑफ ए पुट कर देते हैं। अब पी ऑफ ए से क्या मुराद है, कि जहाँ पे वेरिएबल यूज़ हो रहा होगा वहाँ पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो जो वैल्यू अब हमारे पास आएगी वो हमारे पास रिमाइंडर होगी। अब रिमाइंडर क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम कोई नंबर ले लेते हैं, 8 हमने ले लिया। अब हम कहते हैं कि इस हमने रिमाइंडर फाइंड करना है जब हम 8 को डिवाइड करें 3 पे। तो अब 8 को जब हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 2s are 6, और ये जो 2 होगा ये हमारे पास ये वाला 2 ये रिमाइंडर होगा। इसी तरह से कोई पॉलीनोमियल होता है उसको जब हम किसी लीनियर डिवाइज़र पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एंड पे जो रिमाइंडर बचता है वो हमने यहाँ पे फाइंड करना है। हम क्वेश्चन करेंगे तो उससे मज़ीद आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। अच्छा, एक हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम है, नेक्स्ट हम करेंगे फैक्टर थ्योरम। तो याद रखिएगा, जब भी फैक्टर्स की बात की जाए, जब भी फैक्टर्स की बात की जाए तो फौरन आपके जहन में आना चाहिए कि इसका रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो होगा। अब फॉर एग्जांपल जहाँ पे हमारे पास 8 है, तो 8 के हमारे पास फैक्टर्स होते हैं 1, 2 and 8, बजाते खुद होता है 4 भी। तो अब इन इस जो भी हमारे पास फैक्टर्स हैं, 1 ले लें, 2 ले लें, 4 ले लें, 8 ले लें, अब इनको हम 8 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो आएगा। इसी तरह से हमारे पास जब भी पॉलीनोमियल के अंदर फैक्टर की बात की जाएगी तो आपको जहन में रखना है ये चीज़ कि हमारे पास ये पी ऑफ ए जो है ये हमारे पास ज़ीरो होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो मज़ीद हमें समझ आ जाएगी। अच्छा, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1, यूज़ द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर। अब एक तो हमारे पास होता है मेथड कि हम रिमाइंडर फाइंड कर लें डिवाइड करके, जिस तरह से मैंने ये किया। अब पॉलीनोमियल को डिवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो हम क्या करते हैं, हम रिमाइंडर थ्योरम से बड़ी आसानी से जो है वो रिमाइंडर फाइंड कर लेते हैं ये वाला कुलिया यूज़ करके। अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, यूज़ द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर, हमने रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करते हुए रिमाइंडर फाइंड करना है। अब किसका, 3x³ - 10x² + 13x - 6 इज डिवाइडेड बाय x - 2। अब हमने क्या करना है, इस पॉलीनोमियल को इस x - 2 पे डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचता है वो फाइंड करना है। तो इसका हमारे पास सोल्यूशन होगा, सबसे पहले तो हमारे पास जो पॉलीनोमियल दिया हुआ होगा उसको हम पॉलीनोमियल की फॉर्म में लिख लेंगे, जिस तरह से हम पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम पी ऑफ एक्स यूज़ करते हैं।
अब पी एफ एक्स क्या है हमारे पास, ये 3x³ - 10x² + 13x - 6, तो ये हमारे पास पी ऑफ एक्स, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। अब हमने इसको डिवाइड किस पे करना है, x-2 पे डिवाइड करना है। तो x-2 पे जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, हम इसको क्या करेंगे, x-2 = 0 रखेंगे और इसको हम क्या करेंगे, x = 2। अब जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी, अब यहाँ पे x की जगह पे आप वो वैल्यू पुट कर देंगे, तो हम क्या करेंगे, पी ऑफ 2 = हमारे पास होगा 3। अब जहां जहां पे x है, यहाँ पे देखें p ऑफ x था तो यहाँ पे x है, अब यहाँ पे p ऑफ 2 है तो जहां पे x है वहां पे हम 2 पुट करते जाएंगे, 2³ - 10, 2² - +13 × 2 - 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 × 2⁻³, हमारे पास 8 होता है, -10 × 2⁴ +26 - 6, तो ये 24 आ गया, ये हमारे पास 40 आ गया, और इन दोनों को प्लस माइनस किया तो प्लस का 20 आ गया। अब ये दोनों प्लस किए हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 44, और 44 में से -40, तो ये हमारे पास आ गया 4। तो अब हमारे पास जो रिमाइंडर है, हमने रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा कि रिमाइंडर क्या होगा, पी ऑफ ए, तो पी ऑफ टी 2 जो है ये हमारे पास 4 है, तो इसमें हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया है, रिमाइंडर हमारे पास आ गया, रिमाइंडर = 4। अब इसी तरह से हम बाकी क्वेश्चन इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट है हमारे पास पी ऑफ एक्स = 4x³ - 4x + 3, तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट है, इसको हमने डिवाइड करना है 2x - 1। तो याद रखें हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे 2x - 1 = 0 रखें, तो ये -1 उधर जाके +1 हो गया, अब ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x = 1/2 हो जाएगा। अब हमने क्या फाइंड करना है, p ऑफ 1/2, तो p ऑफ 1/2 क्या होगा, 4 × 1/2³ - 4 × 1/2 + 3, तो ये क्या आ जाएगा, 4 × 1/8 - 1 का क्यूब 1 ही होता है, और 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, -4 × 1/2 + 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा कैंसिल होके 2, तो 1/2 - 2 + 3, तो ये -2 + 3 1/2 और +1 हो गया, तो 1/2 + 1 एलसीएम लेके आप ऐड करेंगे तो 3/2 इसका आंसर आ जाएगा, 2 एलसीएम आएगा 1 + 2, तो ये हमारे पास आ गया पी ऑफ 1/2 = 1/3/2, तो ये हमारे पास रिमाइंडर है। लास्ट में आप फिर लाजमी लिखेंगे कि रिमाइंडर = 3/2। तो ये था हमारे पास सेकंड पार्ट। तो थर्ड पार्ट है हमारे पास पी ऑफ एक्स = 6x⁴ + 2x³ - x + 2, तो हमने इसको डिवाइड किस पे करना है, x + 2 पे जब डिवाइड करना है इसको हम = 0 रखेंगे। आप इसको रफ में जो है वो सॉल्व कर लें, तो यहाँ पे हम x = -2 आ जाएगा। अब हमने फाइंड क्या करना है, पी ऑफ -2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 × -2⁴ + 2 × -2⁴ - 3 - −2 - 2. अब जहां जहां पे देखें x था वहां वहां पे -2 पुट करना है, तो इस चीज का भी ख्याल रखना है, ये माइनस ये वाला है और x की जगह पे हमने -2 पुट करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 × अब हमें पता है कि जब भी माइनस की पावर इवन होती है तो वो प्लस हो जाती है, तो 2⁴ हमारे पास प्लस का 16 आ जाएगा, और +2 × -2, अब -2 का क्यूब है, तो जब पावर ऑड होती है तो फिर हमारे पास -7 आ जाता है, और ये माइनस माइनस +2 + 2 हो जाएगा। अब हमारे पास 6 16 क्या होगा, 96, तो 96 ये हमारे पास माइनस हो जाएगा 16 और +4,
तो ये हमारे पास बचेगा बाकी 76, तो पी ऑफ माइनस टू इज इक्वल टू आ जाएगा 76, और हमारे पास रिमाइंडर बच गया यही हमारा एक्चुअल काम है, हम फाइंड क्या कर रहे हैं, रिमाइंडर कर रहे हैं। तो अब चाहे आप यहाँ पे रिमाइंडर लिख दें या जहाँ पे भी आप लिख सकते हैं कि इसका रिमाइंडर जो है वो r इज इक्वल टू पी ऑफ माइनस टू के इक्वल है, और यहाँ पे फिर आप r लिखते जाएं, तो जिस तरह से आपको आसान लगे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे फिर r आ जाएगा। तो r का मतलब हमारे पास क्या होगा, रिमाइंडर होगा। अब देखें फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या है, पी ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 1 क्यूब प्लस 6 इंटू 3 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 10। ये पॉलिनोमियल है, हमने इसको डिवाइड करना है 2x प्लस 1, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू माइनस 1 बाई 2 आ रही है। पहले दो क्वेश्चन में मैंने आपको x की वैल्यू फाइंड करना जो है वो सिखा दी है, वो आप पहले भी आपको पता है। तो हमने क्या करना है, इसको जीरो के इक्वल रख के x की वैल्यू जो भी आएगी वो हमने फाइंड कर लेनी है। तो अब x इज इक्वल टू क्या आ गया है, माइनस 1 बाय 2। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने रिमाइंडर फाइंड करना है, तो रिमाइंडर हमारे पास किसके इक्वल होगा, p ऑफ माइनस 1 बाय 2 के इक्वल। तो हम इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, p ऑफ माइनस 2 1 बाय 2। अब जहां जहां पे x है वहां पे हमने क्या करना है, माइनस 1 बाय 2 पुट करते जाना है। तो ये हमारे पास 2 इंटू एक्स की जगह पे हमारे पास आ जाएगा माइनस 1 बाय 2 माइनस 1, और इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यूब प्लस 6 इंटू 3 प्लस 4 इंटू माइनस 1 बाय 2, और इसका हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर माइनस 10। तो यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ किए हैं, क्योंकि इन ब्रैकेट्स के अंदर जहाँ पे एक्स थे वहाँ पे हमने ब्रैकेट यूज़ करनी थी, तो स्मॉल ब्रैकेट्स हम वहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 से कैंसिल होके हमारे पास आ जाएगा माइनस 1 माइनस 1 प्लस 6 इंटू, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा, और हमारे पास 3 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2 और इसका स्क्वायर माइनस 10। तो ये हमारे पास आ गया माइनस 2, इसका हमारे पास क्यूब हो जाएगा, और प्लस 6 इंटू यहाँ पे 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर माइनस 10। अब माइनस 2 का क्यूब, अब माइनस है उसका क्यूब है, पावर जो है वो 8 है, इसलिए माइनस 7 रहेगा, तो माइनस 8, 1 की पावर जो भी हो वो 1 ही रहता है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6, और ये हमारे पास माइनस 10। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज जो हैं वो माइनस की हैं, ये दोनों ऐड होंगी, तो हमारे पास 18 बन जाएगा, 18 में से 6 प्लस का माइनस हो जाएगा, तो माइनस 18 में से प्लस 6 हम करेंगे, तो माइनस 12 हमारे पास जो है वो रिमाइंडर आ जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ और लास्ट पार्ट है, हमारे पास पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 14, और हमने इसको डिवाइड करना है x प्लस 2 पे, और रिमाइंडर फाइंड करना है रिमाइंडर थ्योरम से। तो हमारे पास रिमाइंडर होगा इज इक्वल टू पी ऑफ माइनस 2, ये माइनस 2 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे माइनस 2 पुट करते जाएंगे, माइनस 2 क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू माइनस 2 माइनस 14। अब माइनस 2 का क्यूब माइनस 8 माइनस 3 इंटू माइनस का स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, और 4 और प्लस माइनस माइनस 4 2 आर 8 माइनस 14। तो ये हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो माइनस में आ जाएंगी, माइनस 8 माइनस 8 हमारे पास हो जाएगा 16 और माइनस 14, तो ये हमारे पास माइनस 30, और ये हमारे पास हो गया माइनस 3 4 आर 12, तो माइनस 42 जो है हमारे पास रिमाइंडर आ गया। तो ये था एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1, नहायत ही आसान, जस्ट हमने पी ऑफ एक्स फाइंड करना है, एक्स कहाँ से फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू हमारे पास जो दी हुई है यहाँ से फाइंड करके तो हमारे पास रिमाइंडर आता जाएगा। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।